नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको ले चलूँगा शिमला के पास दो ब्यूटीफुल प्लेसेस जो फैमिली पिकनिक और बच्चों के साथ घूमने के लिए परफेक्ट है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन द शिमला गाय। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को ले चलूँगा तलाई और क्रैगनेनो नेचर पार्क। दोस्तों, ये प्लेसेस लोकेटेड है मशोबरा में और इन प्लेसेस का डिस्टेंस शिमला सिटी से लगभग 13 किलोमीटर है। गाइस, तलाई और क्रैगनेनो पहुँचने के लिए हमें राइट डिवर्जन लेना होगा मशोबरा 2 से, जो मशोबरा का सेकंड स्टॉप है। इस पॉइंट से तलाई का डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर है और जो रोड है वो जंगल के बीच से होते हुए जाता है। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं तलाई। मशोबरा का काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये। लोकल्स और जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आते हैं और यहाँ आकर रिलैक्स करते हैं, इंजॉय करते हैं। चलिए, हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे क्रैगनेनो नेचर पार्क। दोस्तों, यह आप ऊपर देख सकते हैं, तलाई माता का मंदिर भी है। यहाँ जाकर आप माता के दर्शन कर सकते हैं और माता की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। गाइस, तलाई में हर साल एक फेयर यानी मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। कुछ साल पहले तो यहाँ पर बुल फाइटिंग का जो कंपटीशन था वो भी ऑर्गेनाइज किया जाता था, लेकिन अब वो कुछ सालों से बंद कर दिया गया है। सो गाइस, अब हम चल रहे हैं आगे क्रैगनेनो नेचर पार्क, जिसका डिस्टेंस तलाई से लगभग 1.5 किलोमीटर ही होगा। सो दोस्तों, यह है क्रैगनेनो नेचर पार्क का एंट्री गेट। यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, 60 रुपीज़ का शायद अडल्ट का टिकट है, और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं ये ब्यूटीफुल नेचर पार्क। दोस्तों, इस प्लेस में आपको नेचर की ब्यूटी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए स्लाइड्स और स्विंग्स भी लगाए गए हैं ताकि वो भी यहाँ पर एंजॉय कर सके। गाइस, क्रैगनेनो में आप नेचर ट्रेल्स कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो गार्डन है वो घूम सकते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्लेस है पिकनिक के लिए और नेचर के बारे में जानने के लिए भी। गाइस, ये है क्रैगनेनो नेचर पार्क का जो हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर भी 2-3 सीटिंग एरिया दिए गए हैं जहाँ पर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर जो ग्रास है उस पर भी बैठ के या जो ट्रीज़ है उनके बीच बैठकर भी रिलैक्स कर सकते हैं, और जो नेचर है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसकी जो फील है वो इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग शिमला आते हैं तो वी सजेस्ट कि आप ये दोनों प्लेसेस ज़रूर विज़िट कीजिए।
फ्रेंड्स, वी होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है इन प्लेसेस को लेकर तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।